मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, चार भर्तियों की आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच हो सकती है। रीट भर्ती 31,000 पदों पर हुई थी, रीट भर्ती की जांच भी हो सकती है, सीबीएसई सेकंड ग्रेड की भर्ती भी हो सकती है। सीबीएसई सीएचओ और पुलिस कांस्टेबल चार भर्तियों की जांच जरूरत पड़ी थी, सीबीआई कर सकती है। मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा। सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, अब वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 2 फरवरी 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां आवेदन प्रक्रिया शुरू। टीएनपीएससी में 6,244 पदों पर होगी भर्ती। आज का इतिहास, 2 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बजनलाल सरकार करेगी नए जिलों पर फिर से मंथन, 17 में से 7 जिलों का फिर से किया जा सकता है विलय। निहारिका टाइम्स जयपुर, इन जिलों का हो सकता है विलय। अजमेर रेंज के केकड़ी, भरतपुर रेंज के गंगापुर, बीकानेर रेंज के अनूपगढ़, जयपुर रेंज के दूधू व खैरतल, जोधपुर रेंज के फलोदी व बालोतरा, पाली रेंज के सांचौर व उदयपुर रेंज के सलमबर जिले का विलय किया जा सकता है, क्योंकि इन जिलों में पुलिस थाने नाम मात्र के हैं। दूधू जिले में तो 3 ही पुलिस थाने, ऐसे में 3 थानों पर भारी भरकम पुलिस लवाजम लगाना पुलिस मुख्यालय के लिए सिरदर्द बन गया है। ये बनाए गए थे जिले, ऐसे बढ़ेगा वित्तीय भार। पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव। 5,000 अभ्यर्थियों का रीट लेवल 1 में सिलेक्शन होने पर भी बोर्ड के वकील की कमजोरी पैरवी के चलते इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। रीट शिक्षक भर्ती मामला, शिक्षा विभाग को निर्देश, विवादित अंशों में करे बदलाव। बच्चे 5 साल बाद फिर पढ़ेंगे अकबर महान नहीं, गत वर्ष देशभर के स्कूली पाठ्यक्रम में किया था बदलाव। अब पूर्ववर्ती सरकार पर लगातार बदलाव नहीं करने का आरोप। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर, वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पूर्व शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला आमने सामने। अकबर मीना बाजार लगाता था महान, कैसे हुआ दिलावर? राजनीति ठीक नहीं, इतिहास कैसे बदल सकते हैं कल्ला। भास्कर न्यूज, वर्ष 2022 में 48,000 शिक्षकों की भर्ती में किया गड़बड़ झाला, चयन के बाद हुए मेडिकल से हुआ खुलासा। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से लिया चयन, दोबारा मेडिकल में जिले के 15 अभ्यर्थियों की 40% से भी कम पाएगी दिव्यांगता। भरतपुर भास्कर न्यूज, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट 48,000 पदों पर हुई थी। कॉपी 20 फरवरी से होगी अपलोड, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरएएस भर्ती। आधार कार्ड में लगा दिया डमी अभ्यर्थी का फोटो, डमी अभ्यर्थी बिठाने का आरोप गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रेस विज्ञप्ति, सेकंड ग्रेड सहायक लोको पायलट भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा कल से 7 जिलों में 1.47 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम होगा नवज्योति न्यूज। कांग्रेस शासन में खोलेंगे राजशेष के 310 महाविद्यालय, अस्थायी शिक्षकों के भरोसे फिर बिना शिक्षकों के हो जाएंगे प्रदेश के 310 सरकारी महाविद्यालय। फरवरी में पूरे हो जाएंगे विद्या संबल योजना के शिक्षकों का कार्यकाल। राजस्थान पत्रिका न्यूज, भर्ती करने में लगेगा समय। आरपीएससी की ओर से करीब 1900 पदों पर सहायक आचार्य की भर्ती की जा रही है, इसकी परीक्षाएं नए साल से शुरू होगी, ऐसे में भर्ती पूरी होने में समय लगेगा। शिक्षकों का पद सर्जित कर समायोजित करने की मांग, डूंगरपुर थर्ड ग्रेड
सरकारी स्कूलों में एवजी से शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी सागवाड़ा। संस्कृत शिक्षा भर्ती की काउंसलिंग 5 फरवरी से, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा की भर्ती मामला, अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। असहायक लोको पायलट भर्ती आयु सीमा बढ़ाने का मिलेगा लाभ, 19 तक आवेदन मांगे। इधर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 12 से 15 फरवरी तक होगी। संस्कृत शिक्षा के काउंसलिंग लेटर जारी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड आरयू पोर्टल में गड़बड़ी, अब 3 तक कर पाएंगे आवेदन। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी 103 अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के लिए 1573 पदों पर मिलेगी नियुक्ति, 5 फरवरी तक विकल्प मांगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 8वें के पूरे 9वें चरण के इंटरव्यू लेटर जारी। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। आईएमजीएस विश्वविद्यालय 3546 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी, बीकानेर में 8 परीक्षा केंद्र घटित। सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 सत्यापन के लिए काउंसलिंग 12 फरवरी से, इग्नू जनवरी सेशन के लिए अब 15 तक आवेदन करें। बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड परीक्षा के आवेदन 5 से। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जेडब्ल्यू मेट के प्रथम सत्र की परीक्षाएं संपन्न, आखिरी दिन के पेपर स्टूडेंट्स के लिए रहे मिले जुले। आरएएस की कॉपियां वेबसाइट पर होगी अपलोड, आरटीए में 5 से आवेदन। प्रोग्रामर के 216 पदों के लिए आवेदन शुरू, आरपीएससी कोटा। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। अच्छी खबर, रेलवे की डबल एलपी भर्ती में अब आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी चूरू। आरएएस भर्ती 2021 में आरपीएससी की हड़बड़ी, संयोग या प्रयोग, टॉप 100 में 43 अभ्यर्थी। बीकानेर के 1 माह की मेडिकल जांच 3 दिन में करा दी। किरोड़ी ने कहा था चहते शिक्षकों से कॉपियां जचवाई, चहते अभ्यर्थियों को नंबर दिलवाए। बच्चे ड्रेस कोड में आए नहीं तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। अकबर महान नहीं था, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नकल गिरोह का सरगना गिरफ्तार। यूजीसी ने खत्म किए एमफिल की मान्यता, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। पीजी के बाद पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे स्टूडेंट्स। पीएम श्री योजना, जिले में प्रथम चरण में 8 विद्यालयों को किया शामिल, अब वर्ल्ड क्लास सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे धौलपुर के मोडा मोडी। राजस्थान पत्रिका न्यूज। कक्षा 5 एवं 8वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 फरवरी की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, नवाचार बोर्ड के हर विद्यार्थी के हाथ में होंगे प्रश्न बैंक, अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। जिले के 100 स्कूलों और प्रधानमंत्री श्री योजना के 9 स्कूलों में कौशल विकास बाल मेले कल से लगेंगे। सूर्य सप्तमी और 15 फरवरी को जिले के 2400 स्कूलों में बच्चों करेंगे सामूहिक सूर्य नमस्कार। आरपीएससी में काउंसलिंग 12 से, नवज्योति न्यूज। सीबीएसई से संबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, नवज्योति न्यूज अजमेर।